Hello, children. Hope you all are doing good. Today, we are starting the new chapter that name is New Kings and Kingdoms. New Kings and Kingdoms learning outcome is the rise of new kings and kingdoms, Rajputs, Peninsular India, Turkish invasions, tripartite struggle for Kannauj, administration in the kingdoms. Pashtis and land grant and case study that is Cholas of Thanjavur. Ja okay? During the period 700 to 1200 CE, denoted as the early medieval period, a number of powerful regional kingdoms arose in North India, the Deccan, and the South India. All these kingdoms had the desire to build an empire and therefore continually fought with each other to gain control over their neighboring territories. जो 700 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड सी का जो पीरियड था इन मेडिवियल पीरियड नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो किंग थे रीजनल किंगडम थे वो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे कभी वो जीत जाता था कभी वो हार जाते थे ओके okay? तो इस तरीके से उनकी कॉन्स्टेंट फोट फाइटिंग चलती रहती थी कि कौन नेबरिंग टेरिटरीज़ को कौन करेगा कौन जीतेगा ओके फर्स्ट इज़ द राइज ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स in the early medieval period there were a large number of regional kingdoms in india from the middle of the 8th to the middle of the 9th century that is for about a hundred years pala rulers controlled eastern india that is bihar and bengal it is interesting that nalanda university which was famous all over asia was revived by a pala ruler नेम धर्मपाला ही ऑल्सो फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन मगधा ओके बिहार और जो बेंगोल स्टेट थे वहाँ पर पाला रूलर्स रूल करते थे और नालंदा यूनिवर्सिटी जो आप सब लोग जानते हो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी वो एक धर्मपाला पाला, पाला रूलर के ही पाला डायनेसटी के ही किंग थे धर्मपाला उन्होंने बनाई थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी उन्होंने ही बनवाई ओके okay? जो कि मगधा में गंगा के किनारे है now gujra pratihara dynasty dominated western india and the upper gangetic valley till the middle of the 10th century the most powerful ruler and the founder of the pratihara dynasty was king bhoja the Chahamanas and Chauhans was another group of Rajputs who ruled over the region of Delhi and Ajmer. They fought with other rulers of the region like the Cholakyas of Gujarat. Prithviraj Chauhan was the most famous ruler of the Chahamana dynasty who defeated the Afghan ruler that is Muhammad Ghori in 1191 but was defeated by Ghori in 1192. ओके okay, राजा भोज थे जो गुर्जरा परतिहारा डायनेस्टी के फेमस किंग थे पावरफुल किंग थे और उसके बाद चौहान के जो फेमस किंग थे वो थे पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी को ग्यारह में डिफीट किया था लेकिन ग्यारह में फिर से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया राजकुटास रोज टू प्रोमिनेंस इन द सेंचुरी अंडर दंते दुर्गा कृष्णा वन फर्दर कॉन्सुलेटेड द एम्पायर द राशकुटास फोर्ट अगेंस्ट द गुर्जरा प्रतिहारा एंड पालाज इन द नॉर्थ एंड अगेंस्ट बल्लवाज पांड्याज एंड चोलाज इन द साउथ देवर पैटर्नस ऑफ आर्किटेक्चर काल्सर टेम्पल ऑफ एलोरा एंड रॉक कट केज एट एलिफेंट वर क्रेव्ड आउट ड्यूरिंग देअर रूल ओके राश कुटास के जो किंग थे वो फेमस कौन किंग था दंते दुर्गा कृष्णा वन उनके अंडर में फ्लोरिश किया एंड गुर्जरा प्रतिहारा पालाज और जो पांड्याज थे चोलाज किंग थे साउथ में वो अगे एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते रहते थे नेबरिंग टेरिटरीज़ को कॉनक्यूर करने के लिए ओके तो उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने कैल्सा टेम्पल बनवाया आर्किटेक्चर के फ़ोन थे एलोरा और रकट जो टेम्पल हैं एलिफेंट केव हैं वो इसी टाइम पर यानी राजकुटास के टाइम पर ही फ्लोरिश हुई एंड नाउ Tripartite struggle for Kannosh. That is very important. Tripartite struggle for Kannos. Kanos was once the capital of Harsh. The capture it meant that the control of the Ganga. Ganga Valley. The city was also then a symbol of sovereignty. So there was a struggle among the three powers. द द दर्तिहाराज एंड द राशकुटास फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नोज फॉर अबाउट अ सेंचुरी ओके सौ साल तक इन तीनों डायनेस्टी के बीच में कौन कौन पालाज परतिहाराज एंड राशकुटास तीनों के बीच में फाइटिंग चलती रही किसको को करने के लिए कन्नौज को कॉनक्यूर करने के लिए कन्नौज क्योंकि ये गंगा वैली के किनारे था तो बहुत फ्लोरिश्ड स्टेट थी बहुत अच्छी एग्रीकल्चर वहाँ पर होती थी तो कन्नौज पर कौन रूल करेगा इसके लिए इन तीनों की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं द दपालाज प्रतिहाराज एंड राजकोटास की और इसी को ही नाम दिया गया ट्राई स्ट्रगल यानी तीन ग्रुप की आपस में स्ट्रगलर टू कॉन्क्यूर ओवर कन्नौज ओके now come to the next rajputs rajputs were group which played an important role in the history of medieval India. The Rajput established kingdoms in different parts of northern India. The most important of these were the Parmaras of Malwa, Chauhans of Ajmer, and Gahadavals of Kannur, Cholakyas of Gujarat, and Tomars of Delhi. Most historical believe that the Rajputs descended from Sharks, Kushans, Huns. Gujaras and the Gons. These Rajput's kingdoms frequently fought among themselves and they seldom joined hands together. राजपूत क्लैन जो कि बहुत फेमस क्लैन थे मेडिवियल पीरियड के राजपूत जो थे वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे अलग अलग सरनेम से बिलोंग करते थे जैसे कि अजमेर में चौहान्स थे कन्नौज में गादावल थे ओके okay? और गुजरात में चोलक्यास राजपूत थे ये राजपूत आपस में मिले हुए थे अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए द राजपूत वर ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट क्लैनस देवर ब्रदरहुड एंड इक्वेलिटी एमंग द इक्वलिटी एमंग द क्लैन मेंबर्स एट द सेम टाइम दे वर बिजी इन फाइटिंग विद द मैंबर्स ऑफ अदर क्लैन एंड द लोट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी वर वेस्टेड इन देअर फाइट ओके ये आपस में तो एकजुट थे कि आपस में किसी पर भी कॉन्क्योर करेंगे तो एक साथ मिल जाते थे लेकिन दूसरों के साथ भी इनकी साइड बाई साइड फोर्ट चलती रहती थी कॉन््योर करने के लिए जिसमें इन्होंने अपना बहुत सारा वेल्थ जो अपना बहुत सारा खाना खजाना था वो वेस्ट कर दिया मोस्ट ऑफ द राजपूत वर सपोर्टेड ऑफ हिंदुइज़म पैटर्नाइज जैनिज्म कुछ राजपूत जो थे वो हिंदुइज के सपोर्टर थे मोस्ट ऑफ द राजपूत हिंदुइजम के सपोर्टर थे और कुछ जैनिज्म के भी सपोर्टर थे ओके और कौन सी क्लैन से राजपूत बिलोंग करते थे क्षत्रिय क्लैन से एंड दे वर डिवाइडेड इंटू टू वंश दो वंश में डिवाइडेड थे चंद्रवंशी एंड सूर्य बिलोंग टू द मून फैमिली ओके तो ये राजपूत की हिस्ट्री है नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स प्रहस्ती एंड लैंड ग्रांट्स ओके जनरली ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स ऑफ द किंगडम विच रोज एंड फेल ड्यूरिंग दिस 500 हंड्रेड दैट इज सेवन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड सीई एडॉप्टेड हाई ranking titles such as maharaja adhiraj great king or overlord of kings tribhuvan chakravarti kings of three worlds in running the administration they however took the help of their samantas brahmans and even the common caste and peasants the king was regarded as the owner of all lands under him as a, such he claimed rent from peasants Cattle keepers and artisans and all other activities. Okay. Administration in the kingdom, time, teen jo the famous king's title. इम्पॉर्टेंट फेमस थे जैसे कि महाराजा अधीराज जिसको ग्रेट किंग को बोलते थे या त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी किंग्स ऑफ थ्री वर्ल्ड ओके okay? तो राजा जो था वो अपने साम्राज्य को रूल करता था विद द हेल्प ऑफ देयर समंता समंताज जो उनके सेवक थे या हेल्पिंग हैंड आप बोल सकते हो समंताज थे ब्राह्मण्स थे और बहुत सारे कास्ट एंड पीजेंट्स के पीपल थे उनकी हेल्प के साथ ये अपने किंगडम को कंक्योर करते थे ओके okay? पीजेंट जो थे वो अपने खेतों में खेती करते थे और उसके लिए राजाओं को टैक्स भी पे करते थे ओके एंड टैक्सेस वर आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स इंडस्ट्रियालाइजिस्ट एंड ऑल अदर प्रोफेशन द मनी दस कलेक्टेड was नेसेसरी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फाइटिंग wars, एज वेल एज फॉर कंस्ट्रक्टिंग temples, etc. जो मनी ये टैक्सेस क्यों लगा रखे थे ताकि इनको ट्रेडर्स के ऊपर और इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर और जो भी प्रोफेशनल थे उस टाइम इसीलिए उन पर टैक्स थे ताकि उससे कुछ मनी इकट्ठी हो और वो किस पर लगा सके सरकार पर लगा सके, अपने साम्राज्य को अच्छे से प्रोस्पेयर कर सकें और फाइटिंग के लिए उसको यूज कर सके या अपने टाइम पर टेम्पल्स बनवा सके ओके समाइम्स लैंड ग्रांट्स वर ऑल्सो गिवन टू द लर्न ब्राह्म हु रोड प्रस्तरीज इन प्रेज ऑफ देम एंड हेल्प देम इन रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन कई बार क्या करते थे जो ब्राह्मण प्रशस्ति लिखते थे प्रशस्ति क्या होते थे जो पढ़े लिखे ब्राह्मण थे वो अपने राजा को इम्प्रेस करने के लिए उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते थे उनकी प्रशंसा करते थे तो राजा खुश होकर उनको लैंड ग्रांट कर देते थे यानी लैंड गिफ्ट में दे देते थे नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक पैन इंडिया पेनिनसुलर इंडिया में फर्स्ट आते हैं पल्लवाज ऑफ कांची द पल्लवा डायनेस्टी रूल्ड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड तमिलनाडु द पालवाज हैड देयर कैपिटल एट कांची दैट इज कांचीपुरम एंड महाद्रेव वन वॉज वन ऑफ देयर मोस्ट फेमस रूलर पालवा डायनेस्टी कहाँ थी पालवा डायनेस्टी आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड तमिलनाडु पर फेमस थी और उस टाइम इनकी राजधानी कौन सी थी कांची राजधानी थी महेंद्र वर्मन मोस्ट ऑफ़ द फेमस रूलर उस टाइम के फेमस रूलर थे पालवा डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन वन ओके तो ट्रेड रिलेशनशिप जो थी उस टाइम उनकी साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ थी और फ्रीक्वेंट वॉर होती रहती थी चोलक के साथ और बाकी जो भी उनके पड़ोसी राज्य थे उनके साथ उनकी फाइटिंग होती थी रहती थी इससे जो पलवा डायनेस्टी थी वो कमज़ोर पड़ जाती है पलवा रूल डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ द नाइन्थ सेंचुरी और नाइन्थ सेंचुरी में पलवा रूल खत्म हो जाता है द पलवाज मैनेज देयर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज दैट इज सभा द असेंबली ऑफ़ द ब्राह्मण लैंड ओनर और जो पलवाज किंग थे ये अपनी असेंबली एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज करते थे विद द हेल्प ऑफ सभा सभा में कौन लोग आते थे जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे जिनके पास लैंड होती थी ओके द यू आर वोज एन असेंबली इन दोज एरियाज वे आर लैंड ओनर्स वर नोट ब्राह्मन और दूसरी एक सभा थी और दूसरा जिसको उर्क के नाम से बोलते थे इसमें वो ब्राह्मण होते थे जिनके पास लैंड नहीं होते थे ओके तो वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन थे दो ग्रुप से संभालते थे एंड अ सब कमेटी विच लुकड आफ्टर इम्पोर्टेंट मैटर्स लाइक इरीगेशन एग्रीकल्चर रोड टेम्पल एट्सेट्रा मर्चेंट हू है ऑन असेंबलीज कोल्ड नगरम द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज लोकल assemblies इज़ एन इंडिकेशन ऑफ पीपल participation. और इससे ये पता लगता है अलग अलग लोगों को अलग अलग सभा बना रखी थी अलग अलग असेंबली बना रखी थी ट्रेडर्स के लिए अलग असेंबली थी और एडमिनिस्ट्रेशन में एक असेंबली अलग थी जो इरिगेशन और एग्रीकल्चर या रोड टेंपल को देखती थी और एक नगराम थी ठीक है जो अपनी मर्चेंट्स ने ट्रेडर्स ने अपनी असेंबली बना रखी थी तो इन असेंबली से पता लगता है कि पल्वा डायनेस्टी के टाइम पर लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था तो लोग मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते थे नेक्स्ट इज राजकुटास The Rashkutas allowed Muslim traders to settle and permitted Islam to be preached in their dominoes. Their tolerant helped to pronounced foreign trade. विच एनरेज द राष्ट्रकुटाज राष्ट्रकुटाज ने अलाउ किया जहाँ पर उनका रूल है अपने साम्राज्य में मुस्लिम धर्म को प्रीच करने के लिए कि मुस्लिम धर्म को इंट्रोड्यूस जो भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो अपने मुस्लिम रिलीजन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे ठीक है और फॉरन ट्रेड को इनक्रीज़ करना चाहते थे तो राष्ट्रकुटाज ने उनको जगह दी वेलकम किया उनका ओके नाउ नेक्स्ट इज़ टर्किश इन्वेशंस ुर्क पीपल जो टर्की से जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया फर्स्ट क्या किया कौन आया था फर्स्ट आया था मोहम्मद गजनी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिसक ऑफ मोहम्मद गजनी ही वॉज मोहम्मद गजनी अ पावरफुल किंग एंड बाई द एंड ऑफ टेंचुरी द टर्किश जनरल हैड प्रोक्लेम्ड देयर कंट्रोल ओवर मैनी टेरिटरीज मोस्ट आउटस्टैंडिंग टर्किश रूलर वॉज मोहम्मद गजनी द पोलिटिकल डाइनेसिटी ऑफ इंडिया एनकरेज हिम टू इन्वेट इंडिया मोहम्मद रेडिड इंडिया सेवनटीन टाइम्स बिटवीन थाउजेंड सी ई टू वन जीरो टू सेवन सी ईके मोहम्मद गजनी जो इंडिया में पोलिटिकल पार्टी थी ठीक है बहुत सारे लोग इंडिया को आ, मतलब इन्वेट कराना चाहते थे कि दूसरे लोग आकर वहाँ पर रूल करें ओके okay. तो उन्होंने मोहम्मद गजनी को उकसाया कि इंडिया पर आप ईजीली कॉन््यूर कर सकते हो तो मोहम्मद गजनी जो था वो सत्रह बार उसने इंडिया पर अटैक किया सत्रह बार अटैक किया बहुत सारे जो भी मेन टेंपल थे और जो भी अच्छी फ्लोरिश सिटी थी रिच पैलेसेस थे उनको वो लूट ले जाता था और टू ऑफिस इन फेमस अटैक वर ऑन कन्नोज एंड द लूटिंग ऑफ द फेमस सोमनाथ टेंपल ऑफ गुजरात जिसमें से सत्रह टाइम में से दो मेजर अटैक हैं एक तो कन्नौज का जो अटैक था और दूसरा सोमनाथ टेंपल पर जो अटैक किया था जब वो लूट की थी इन द कैंपियन अगेंस्ट कन्नौज ही प्लमडर मथुरा एंड कन्नौज जब कन्नौज में जब लूट की थी तो उस टाइम जो भी मथुरा और कन्नौज के जो भी टेंपल थे वो लूट कर ले गया था और गुजरात के टाइम पर सोमनाथ टेंपल ओके तो इस प्लंडर से क्या होता था प्लंडर से क्योंकि कोई भी अटैक नहीं कर पाता था कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था तो इसको इतना इजी लगता था कि नॉर्थ इंडिया को कॉन्क्योर करना कितना इजी है क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्ट्रोंग किंग नहीं है So, Muhammad Gajni, He carried from India to build a magnificent capital city at Gajni. Muhammad was not only a plunder, but he also wanted to know about the culture and people of India. So, he gave the task of writing an account of India to a scholar named Al Biruni. Al Biruni wrote a book in the Arabic language called Kitab ul Hind, which gives us a lot of interesting information about Indian society and culture. Kya chata tha? Muhammad Gajni, North India. से सारे टेम्पल्स जो भी लूट है वो प्लंडर करके अपनी जो उसकी सिटी है गजनी उसको अमीर बनाना चाहता था और सिर्फ लूटना ही नहीं चाहता था वो चाहता था कि इंडिया के बारे में इंडिया के कल्चर के बारे में वो नई नई चीज़ें भी सीखे तो उसने अपने एक फेमस राइटर अलबरूनी जिसका नाम था उसको एक किताब लिखने के लिए बोला जिसको किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है जिसने इंडिया के बारे में इंडिया की सोसाइटी के बारे में कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं नेक्स्ट इज अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी फर्स्ट इज मोहम्मद गजनी उसके बाद मोहम्मद गोरी का अटैक हैोरी वॉज अ जनरल अंडर दायनेस्टी गौर इन अफगानिस्तान वोज अज अल स्टेट ऑफ गजनी एंपायर अफगानिस्तान से ही मोहम्मद गोरी ने अटैक किया

मोहम्मद गजनी वीक हो गया कमज़ोर हो गया तो मोहम्मद गोरी ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट राजा है मोहम्मद गोरी गवर्नर बना गजनी का उसके बाद एंड ही देन कॉन्ड मुल्तान पेशावर एंड लाहौर दैट बोट हिम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद पृथ्वीराज चौहान ऑफ डेली एज सीन अरलियर ही इनफ्लिक्टेड अक्रशिंग डिफीट ऑन पृथ्वीराज इन सेकेंड बैटल ऑफ टेर इन इलेवन नाइनटी टू एंड ऑफ मुस्लिम रूर इन इंडिया मोहम्मद गजनी जो था वो सिर्फ प्लंडर करके जाता था अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया मोहम्मद गोरी ने अपने गजनी के आसपास के जो एरिया थे जो अब पाकिस्तान में आते हैं जैसे कि पेशावर वग़ैरह उनको कॉन्क्यूर कर लिया फिर जब वो नॉर्थ इंडिया में आता है तो उसकी मुलाकात पृथ्वीराज चौहान से होती है फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है लेकिन सेकेंड बैटल में जब बैटल ऑफ टेरेन होती है तो वो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा देता है और अपना मुस्लिम रूल इंडिया में इस्टेब्लिश कर लेता है ओके तो इस टाइम पर जो केस स्टडी है चोलाज ऑफ थंजावर चोलाज़ कौन थे चोलाज़ कौन थे चोलाज के आर्किटेक्चर हैं जो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो चोला एम्पायर जो था वो नाइन्थ सेंचुरी से शुरू हुआ था एंड पल्लवा सबऑर्डिनेट Mutiar family rules in Kaveri Delta. They bought under their control a large variety of the Deccan Peninsula. The Cholas also developed a powerful navy which established them to develop India's sea trade in Indian Ocean and to conquer Sri Lanka and the Maldives Island. Their influence was felt even in the countries of Southeast Asia. The Chola Empire marked its climax in the South Indian history. belong Karte the Chola Empire. साउथ इंडिया से ओके साउथ इंडिया में कॉनक्यूर किया साउथ इंडिया में और नेवी एक बनाई नेवी आर्मी जो श्रीलंका मालदीव जो भी आइलैंड थे उनको कॉनक्यूर करना चाहती थी तो डेकन पेनिनसुला साउथ में साउथ इंडिया में ज्यादातर चोला एम्पायर ने रूल किया नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट चोला रूलर वोज राजा राजा वन एंड सन राजा राजेंद्र वन फेमस रूलर कौन थे चोला चोला एम्पायर के फर्स्ट राजा राजा वन एंड सेकेंड इज उसी का बेटा राजेंद्र वन राजा राजा वन डिस्ट्रॉयड द नेवल फोर्सेज ऑफ द छेराज ऑफ त्रिवुंदम राजा राजा वन एक पावरफुल किंग था जिसने त्रिवेंद्रम की जो भी नेवल फोर्सेस थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और पांड्या डायनेस्टी को मदुरई को कॉनक्योर कर लिया था पांड्या डायनेस्टी को भी डिफीट करके श्रीलंका और बाकी के जो भी पार्ट थे वो भी अपने नर्दन पार्ट जो थे वो अपने एम्पायर में मिला लिए थे एनेक्स कर लिए थे एंड चोला जो था चोला किंग जो थे कम से कम इन्होंने 50 साल तक साउथ इंडिया में रूल किया अपने एक स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी बनाई और कहीं भी मालदीव पर या श्रीलंका जो भी साउथ में साउथ साइड में जो भी अलग साम्राज्य थे उनको इजीली कॉन्क्योर कर लिया बिकॉज ऑफ देयर पावरफुल नेवल आर्मी ओके चोलक गवर्नमेंट चोलक गवर्नमेंट किस टाइप की थी जो द किंग वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चोला डायनेस्टी का किंग था वो इम्पोर्टेंट पर्सन होता था क्योंकि सारी जितने भी अथॉरिटीज थी जितने भी डिसीजन थे चोला किंग लेता था ओके एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थी उसके पास जो उसको एडवाइस करती थी और जो किंग था ये अलग 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 उसने असेंबली बना रखी थी अलग अलग लोग बना रखे थे अलग अलग चीज़ों के लिए ओके चोलास मैंटेन्ड अ लार्ज आर्मी कंजिस्ट ऑफ एलिफेंट कैवलरी इन्फेंट्री विच वोल्ड द थ्री ऑफ द आर्मी द चोलाज ऑल्सो हैड अ स्ट्रोंग नेवी विच डोमिनेटेड द मालाबार एंड कोरा मंडल कोस्ट एंड द समटाइम्स द एंटायर बे ऑफ पंगोल इनके पास चोला किंग के पास बहुत अच्छी आर्मी थी नेवल आर्मी भी थी और लैंड आर्मी भी थी जिसमें एलिफेंट्स थे कैवलरी और इन्फेंट्री थे तो इतनी स्ट्रोंग आर्मी थी कि कोरोमंडल कोस्ट को और कई बार बे ऑफ बंगाल को मालाबार कोस्ट को इसने चोला ने कॉन्क्यूर कर लिया था ओके okay? बहुत सारे ट्रेडर्स उस टाइम पर आए बहुत अच्छे कनेक्शन बनाए बहुत बढ़िया रोड चोला एम्पायर ने बनवाए इरिगेशन पर ध्यान दिया और जो रिवर कावेरी और बाकी रिवर थे उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन में वो ध्यान दिया और बहुत सारे टैंक्स भी बनवाए इरिगेशन के लिए नाउ एडमिनिस्ट्रेटर डिविज़न कैसे वो अपनी सरकार को संभालने के लिए कैसे उन्होंने उसको डिवाइड कर रखा था चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू मंडलम्स और प्रोमिनेंस एंड दे आर इन टर्न वर डिवाइडेड इन टू वलनाडू और डिस्ट्रिक्ट चोला पूरा जो साम्राज्य था इतना बड़ा साउथ का चोला साम्राज्य था उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ था जिसको मंडलम कहा जाता था और मंडलम को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था जिसको वाला नादू बोला जाता था द नादूज वर सब डिवाइडेड इन टू कुराम्स और ग्रुप ऑफ विलेजेस द स्मॉलेस्ट यूनिट वॉज कोल्ड ग्राम और विलेज ओके okay. नादूज को भी क्या होते थे पहले उसको पूरे एम्पायर को मंडलम में डिवाइड किया फिर मंडलम को Uh, वाला नादू में डिवाइड किया और फिर नादूज को छोटे छोटे गांव में जिसको ग्राम के नाम से बोला जाता था उसमें डिवाइड किया ओके okay? एंड अलग अलग कैटेगरी बना रखी थी लैंड की जैसे कि ब्रह्मदे लैंड गिफ्टेड टू तो ब्राह्मण्स एंड शलभोगा लैंड ऑफ द स्कूल्स मेंटेनेंस एंड वेलवागी पीज प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन ब्राह्मण एंड पोलीचांदम लैंड डोनेटेड टू तो जैन इंस्टीट्यूशन देवादाना लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स टाइप ऑफ लैंड में आप पढ़ोगे ब्राह्मण को जो लैंड इसको दे रखी थी उसको ब्रह्म के नाम से बोला जाता था स्कूल के लिए शलभोगा ओके पीजेंट्स के लिए विलवांगी ऐसे ही जैन इंस्टीट्यूट के लिए पल्ली चंदम इस तरीके से लैंड को गिफ्ट करते थे या, या यूज़ करते थे नेक्स्ट इज रेवेन्यू रेवेन्यू यानी टैक्स किस पर लगाते थे एक टाइप का टैक्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किस से विज थी एक विलेज असेंबली बना रखी थी जो लोगों से लैंड कलेक्ट करती थी टैक्स कलेक्ट करती थी द टू टाइप्स ऑफ लैंड लोड थे उस टाइम ब्राह्मण एंड रिच फार्मर नोन एज वेलाज कल्टिवेटेड लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रयाज़ दो टाइप के लैंड लोड थे एक तो ब्राह्मण जिनको राजा खुश होकर गिफ्ट देता था और दूसरा रिच फार्मर थे जिनकी अपनी खुद की लैंड थी और विद द हेल्प ऑफ परियाज वो अपने लैंड को कल्टीवेट करते थे द स्टेट शेयर वॉज फिक्सड एट वन बाई थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस अदर सोर्स ऑफ इनकम व ड्यूटी एंड टोल टैक्स एंड टैक्स ऑन माइन्स एंड फॉरेस्ट एंड टैक्स ऑन डिफरेंट प्रोजेशन जो स्टेट टैक्स था वो फिक्स था वन बाई थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस किसान जो भी उगाते थे उसका वन थर्ड वो राजा को दे देते थे टैक्स और भी बहुत टाइप के टैक्स थे उस टाइम जैसे कि टोल टैक्स या ड्यूटी टैक्स जो माइन्स और पर लगाया हुआ था नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन अंडर द चोलाज ओके इसमें आप पहले ही पढ़ चुके हो कि चोलाज किंग जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया एग्रीकल्चर पर कावेरी रिवर को कैसे यूज किया जाए फॉर एग्रीकल्चर परपज़ और कैसे उसकी मिट्टी को कावेरी डेल्टा को इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर राइस ग्रो कर सकते हैं बहुत सारे उन्होंने टैंक्स भी बिल्ट कराए कि जहाँ पर कावेरी नदी का पानी नहीं जाता है वो लोग उन टैंक से पानी ले सकें और डेल्टाज में अच्छे से इरीगेशन कर सकें ठीक है इरीगेशन वे एरिया जो था वो बढ़ाने के लिए बहुत सारे आइडिया उन्होंने बनाए कुएं बनवाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े टैंक्स खुदवाए तो इस टाइप से उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया और जो लोग फार्मर थे उस टाइम टू क्रॉप्स इन अ ईयर एक साल में दो क्रॉप उगाते थे और एग्रीकल्चर और इरीगेशन चोलास के टाइम पर बहुत अच्छी थी इंडिया में नेक्स्ट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप की थी The new methods of irrigation helped in prosperity and settlements of peasants. These settlements were called earths. द लार्ज यूनिट्स ऑफ ग्रुप ऑफ सच विजेज आर नोन एज नादु ये जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो सेटलमेंट्स में डिवाइड किया गया था जिसको अर्स बोलते थे बड़ी बड़ी यूनिट को नादू का नाम दिया जाता था नादू को आगे डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट में जिसको ग्राम या विलेज बोलते थे उसमें बांटा गया था और हर एक विलेज में हर एक विलेज में एक हेड होता था ठीक है जिसको क्या बोलते थे अरियार बोलते थे चीफ और पीजेंट्स होते थे ऐसे पीजेंट होते थे जो राजा को सर्व करते थे उनके रिस्पेक्ट करते थे कुछ ब्राह्मण थे जिनको लैंड ग्रांट दी गई थी ठीक है तो ये आप मैप में देखोगे ये आपका सारा चोलास एम्पायर है ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है दैट इज चोलास एम्पायर तो पूरे साउथ को पेनिनसुलर इंडिया को चोला एम्पायर ने कॉन् कर रखा था ओके नाउ द उत्तर मेर इंस्क्रिप्शन इन Chingalpur District Tamil Nadu described the qualification for becoming a member of Sabha. For becoming a member of a Sabha, a person should be a landlord. have his own home, be between 35 to 70 years of age, and must know Vedas well, versed in administrative matters, and to be honest, जैसे जैसा हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अलग अलग सभा बना रखी थी तो एक सभा का मेंबर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी अपनी लैंड होनी चाहिए सभा का मेंबर बनने के लिए और अपना घर होना चाहिए एज थर्टी फाइव से सेवेंटी के बीच में होनी चाहिए वेदास का ज्ञान होना चाहिए और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के मैटर होते हैं उनके बारे में उसे जानकारी होने चाहिए और ईमानदार होना चाहिए तो ऐसे लोगों को वो लोग सभा में लेते थे ओके और सभा इन सारी चीज़ों को गांव की जो भी इरिगेशन टेम्पल या गार्डन की जो भी फैसिलिटीज़ थी उनको देखती थी फाइन Name of eligible were written on small tickets of palm leaf. They were then put in an earthenware pot, from which a young boy took out the names one by one. Each committee, Sabha, and Samiti were thus democratic ways of functioning in the past. Okay. जैसे कि अभी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया तो ये बहुत पहले से शुरू हो गया था सभा एंड समिति चोला के टाइम पर ये दो ग्रुप बनाए गए थे जो भी एलिजिबल मेंबर होता था वो पाम लीफ पर अपना नाम लिख देता था और एक बॉक्स में उनको डाल देते थे फिर एक यंग बॉय उनमें से एक पर्ची को एक लीफ को निकालता था जिस पर भी उसका नाम होता था वो सभा का मेंबर बन जाता था ओके okay? तो ये जो डेमोक्रेटिक है ये बहुत मेडिवियल पीरियड से ही शुरू हो गई थी चोला एम्पायर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और नेक्स्ट इज चोला रूलर्स टेम्पल आर्किटेक्ट चोला रूलर्स जो चोलाज किंग थे वो फोनड ऑफ आर्किटेक्चर थे उन टाइम पर बहुत सुंदर मूर्तियाँ आप देखोगे बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप आर्किटेक्चर के देख सकते हो जैसे कि राजा राजा वन एंड राजेंद्र ने एक बिग टेम्पल बनवाए हैं जो तंजोर के थंजावर के टेम्पल हैं एंड गंगाई कोंदा चोलापुरम है चोला, चोला टेम्पल्स वर न्यूक्ल टू सेटलमेंट अराउंड दैम दे वर क्राफ्ट सेंटर्स एंड वर एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड हैल्प्ड All people who lived near the temple, priests, grand landmarks, cooks, musicians, dancers. Thus temples in addition to being places of worship were even place of socio-economic and cultural life. The image of bronze sculpture are most famous in the Chola craft and the, these include images of kings and deities. चोला टेम्पल का एक एग्जाम्पल है ब्रदेश्वरा टेम्पल इन तंजोर तो इस टाइप के बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं टेम्पल में जो भी लैंड प्रोड्यूस होती थी जो भी आ, वहाँ पर फसल ग्रो होती थी टेंपल के आसपास जो लैंड थी तो वहाँ वहाँ पर रहने वाले सारे लोग उसको शेयर करते थे जैसे कि वहाँ मंदिर का जो पुजारी होता था या गार्ड माला बनाने वाले होते थे या वहाँ पे कुक होते थे म्यूजिशियन होते थे डांसर होते थे उनको भी वहाँ से फूड मिलता था शेयर मिलता था ओके okay? तो पूजा के साथ साथ क्या थे जो साउथ के टेंपल थे वो एक सोशो इकोनॉमिक और कल्चर लाइफ के भी सेंटर थे नाउ कम टू द की पॉइंट्स व्हाट यू हैव लर्न तीनों की आपस में फाइट चलती रहती थी किसको कॉनक्योर करने के लिए कन्नोज को कॉनक्योर करने के लिए एंड एनअर ग्रुप विच बिकेम पोलिटिकली पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया वर द राजपूत इन तीन के अलावा क्या था पावरफुल ग्रुप था उस टाइम राजपूत आर द पावरफुल ग्रुप एंड इन पेनन्सुलर इंडिया पालवाज राशकुटाज एंड चोलाज वर वेरी पावरफुल पेनन्सुलर इंडिया में पालवाज राशकुटाज एंड चोलाज ज़्यादा पावरफुल थे इनमें से सबसे ज़्यादा चोलाज पावरफुल थे

इन्फ्लिक्ट क्रशिंग डिफीट ऑन पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन इन एलेवन नाइन्टी टू पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पहले ग्यारह सौ इक्यानवे में हरा दिया था ग्यारह सौ बानवे में मोहम्मद गोरी ने फिर से बुरे तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मुस्लिम रूल को इस्टैब्लिश किया नॉर्थ इंडिया में चोलास ट्रेडर्स इन इंडियन ओशियन एंड विद देयर पावरफुल नेवी कॉन्कीव श्रीलंका एंड मालदीव आईलैंड जो चोलास थे वो पावरफुल किंगडम थे पेनिसुलर इंडिया में तो उनके पास इतनी पावरफुल इंडियन आर्मी थी नेवल आर्मी थी जिसने इंडियन ओशियन पर जो भी आइलैंड थे श्रीलंका मालदीव उन पर अपना इन्वेड कर रखा था उन पर कब्जा कर रखा था ओके तो दिस यू हैव रीड इन दिस चैप्टर आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा फिर से इसकी रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे